क्या है कि अखिलेश ने वोट के लिए यूज किया है मुसलमानों का, ये कहना चाहते हैं? जी जी हाँ, मुसलमानों पर कुछ अत्याचार हुए तो उनके साथ नहीं, उनके साथ खड़े नहीं हुए, न बोले भी नहीं उनके साथ में। अच्छा जी, अकेले पीछे गन्ना भुगतान में उसमें क्या है, किसी चीज में साथ नहीं दिया। अच्छा जी, किसी चीज में साथ नहीं खड़े हुए? नहीं हुए, तो इसलिए बीजेपी की तरफ रुख कर लिया आप? जी सर। तो बीजेपी कब मुसलमानों के साथ खड़ी हुई? वो खड़ी नहीं हुई, उनका जो अच्छे काम है उसके साथ है ना, इसमें मुसलमान हिंदू की बात है ही नहीं। जिसने अच्छे जो अच्छे काम के लिए उनके पास गया उसकी मदद करी। अच्छा। जो बुरे काम के लिए गया उसकी मदद नहीं करी उन्हें। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज। 2024 के चुनाव अब नजदीक आ गए हैं, आचार संहिता तक की तारीख सामने आने लगी है कि कब लग जाएगी और कब टिकट का बंटवारा होगा और कब चुनाव होंगे। उससे पहले अलग अलग जगह पर जाकर हम लोगों से बातचीत करते हैं कि माहौल क्या है। आज मैं उत्तर प्रदेश के इस गांव में हूं, जो गांव 90% मुस्लिम बाहुल्य गांव है, उसी गांव में लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं कि माहौल क्या है। इनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? हाँ जी इंदा करो। नाम तो बताइए महाराज। अली कोसर अली। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है देश भर में? माहौल बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है? हाँ। कैसे बढ़िया? कैसे बढ़िया? काम हो रहे है बढ़िया सर, वो जो है समाज में मिलाकर चल रहे, एकता करके चल रहे। अच्छा हाँ, तो क्या लग रहा प्रधानमंत्री कौन बन रहा है 2024? 2024 में मोदी बनेगा। मोदी बनेगा? हाँ। क्यों बनेगा मोदी? मोदी अच्छे कार्य कर रहा। क्या अच्छा किया थोड़ा बताइए। सारे अच्छे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रोडों की सुविधा नहीं, रोडों की सुविधा का दे। सबसे ज्यादा लूट मचाई थी मेरे क्षेत्र में, दिन में भी आदमी सुरक्षित दिन था, दिन में भी लूट मचाई होती थी, रात में भी आधी रात तो पैदल चले जाए यात्रा जाने लो। अच्छा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि भैया मुसलमानों के हित में नहीं है पार्टी, और आप कह रहे मोदी बढ़िया कर रहा है। मोदी बढ़िया, जो जो अपराधी है उन्हें घटिया लग रहा ना, जो सही आदमी उन्हें घटिया लगे ही नहीं। अच्छा हाँ, जो सही है उनके लिए घटिया नहीं ना, उनके लिए घटिया नहीं, अपराधियों के लिए, अपराधियों के लिए घटिया है। राहुल गांधी बेचारे पैदल पैदल इतनी यात्रा कर दी, पूरा भारत नाप दिया, न्याय यात्रा अब कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? उनका क्या होगा, रुपया अच्छा करेगा तो उनका नंबर आ जाएगा। अच्छा हाँ, मैं जी एक बात और जानना चाहता हूँ, मुसलमान तो अखिलेश की तरफ जाता नजर आता था, अगर यूपी में देखें तो यूपी का मुसलमान, अखिलेश ने मुसलमानों का कहीं कुछ कर ही नहीं, कोई कहीं पिटे जिबनी कहीं पूछा, कहीं कोई मामला होगा जिबनी बोलिया लुका बैठे रहा। आजम खान पे सरों पे एक आधार कार्ड की डेट बदलवाने में 7-7 साल की सजा करवा दी। अच्छा। सबसे बड़ा नेता है अखिलेश का आजम खान, उसके हित में बोलिया और किसके हित में बोलेगा फिर वो? तो मतलब क्या है कि अखिलेश ने वोट के लिए यूज किया है मुसलमानों का, ये कहना चाहते हैं? जी जी हाँ, मुसलमानों पर कुछ अत्याचार हुए तो उनके साथ नहीं, उनके साथ खड़े नहीं हुए, न बोले भी नहीं उनके साथ में। अच्छा जी, अकेले पीछे गन्ना भुगतान में उसमें क्या है, किसी चीज में साथ नहीं दिया। अच्छा जी, किसी चीज में साथ नहीं खड़े हुए? नहीं हुए, तो इसलिए बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। जी सर। तो बीजेपी कब मुसलमानों के साथ खड़ी हुई? वो खड़ी नहीं हुई, उनका जो अच्छे काम है उसके साथ है ना, इसमें मुसलमान हिंदू की बात है ही नहीं। जिसने अच्छे जो अच्छे काम के लिए उनके पास गया उसकी मदद करी। अच्छा। जो बुरे काम के लिए गया उसकी मदद नहीं करी उन्हें। हाँ अच्छा, जो अच्छे काम के लिए गया उसकी मदद की है, जो बुरे काम के लिए गया उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं है। और ये अच्छे के लिए भी नहीं गए, इन्हें अच्छा देखे ही नहीं। और भाई साहब कह रहे हैं कि ये तो बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर चढ़ा देते हैं। बुलडोजर वाली सरकार जिसने अवैध कब्जे कर रखे, गरीब आदमी की जगह दबा रखी, उस पर मकान बना लिया, उसका कर्जा मुफ्त कराया, किसी की अपनी तो नहीं चढ़ाई, दूसरे का गरीब आदमी की सहायता करी, और कौन सी बीमारी हो रही? क्या नाम? अफसर चौधरी। क्या लग रहा है कि कैसे बीते 10 साल मोदी जी के, कैसी रही है सरकार? देखिए भाई साहब, हम जो आवे हम एक जमींदार घर से, हम किसानी कहती है हमारी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ड्राइवरी पैसे वाले आदमी, ड्राइवर आदमी है, ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, और ऑल ओवर इंडिया घूमने में हमने सबसे तगड़ी सुविधा अपने क्षेत्र में हो रही, हमारे कोई सवारी की सुविधा नहीं थी, हम बिना सवारी के रात को चाहे 2 बजे अपने घर चले जाए गाड़ी लेके। अच्छा। कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है, यानी कहीं हमारे तरपाल कट जाती, कहीं रस्से कट जाते। अच्छा। कोई पैसे कोस ले था, कोई खड़ी गाड़ी की बैटरी तैर ले था, हमने सबसे बढ़िया सरकार लग रही। अच्छा। सबसे बढ़िया लग रही है। सबसे बढ़िया सरकार मुसलमानों के तो खिलाफ है यार, मुसलमानों का एक बात होता, किसका क्या बुरा करा मुसलमान का, एक बताओ बताओ किसका क्या बुरा करा, जो बुराई करेगा बुराई वालों को इंजाम मिलेगा, सजा मिलेगी, बुझाए
बुराई वाले का जो है ना सजा मिलेगी जो बुरा करेगा, और मिलनी चाहिए सजा, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। नारे मार दो नारे ऊपर। तो अब क्या लग रहा है कि जो भारत का मुसलमान है जो बीजेपी से दूर रहता था अब बीजेपी की तरफ जाने लगा? बीजेपी की तरफ 60% जा लिया मोमडन, 60% मोमडन बीजेपी में है। और हमारी केरला लोकसभा सीट पर जो है ना मनीष चौहान के साथ 60% मोमडन है। और जिस दिन मतदान होगा और मतगणना होगी उस दिन देख लियो 1.5 लाख प्लस से मुसलमानों का वोट अगर ना लिखा। हाँ जी, मनीष चौहान के साथ, मनीष चौहान के साथ। हर आदमी के दिल में मनीष चौहान की चाहत है। ये बताइए मनीष चौहान के साथ है या फिर बीजेपी के साथ है? सबसे पहले मनीष चौहान के साथ है, मनीष चौहान के साथ फिर बीजेपी पार्टी के साथ है, बीजेपी के भी साथ है। हाँ बीजेपी। अच्छा, अगर मुसलमान ही बीजेपी की तरफ चला जाएगा तो फिर ये अखिलेश का क्या होगा? वो अपने घर रहेगा, अपने घर रहेगा मुसलमानों के भरोसे। मुसलमानों ने क्यों, मुसलमानों से क्या दिया उसने? अच्छा बताओ क्या दिया, क्या नहीं दिया? तो कहते इतना सब, एक चीज गिनवा तो दो, कुछ दिया सिवाय दो चीजों के बुरियाई, एक तो नशा, और नशा मुक्त खोरी होनी चाहिए थी, एक तो नशा और डकैती, इन दो चीजों से अलग बताओ तीसरी क्या थी? नशा और डकैती, नशा और डकैती थी। इतनी ढील दे दी लोगों तक, सब मरवा कटवा दिए। अच्छा। और क्या, क्या नाम भाई साहब? जोगिंदर। ये क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहे भाई हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधान? मोदी। मोदी में क्या दिख रही? ओनली मोदी, मोदी में सब कुछ है भाई। मोदी जी बढ़िया रहे। बढ़िया कहे मेरे? सारी जगह बढ़िया रहे, खुले खुले सो गए लोग को। सारी जगह बढ़िया रहे। कहते हैं कि मुसलमानों के तो खिलाफ है सरकार। अरे तो से लोग कहे जो उनसे जो जिन्हें पता नहीं है। अच्छा भाई सुनो तो, हाँ। सबके सही चल रही लेगा ना, मुसलमानों के खिलाफ ना हिंदू होते रल मिल का सही चल रहा है, सही चल रहा है, खिलाफ नहीं है ना। खिलाफ क्यों होती, खिलाफ रहती तो फिर आंधे इसमें रहते गए तो देख। अच्छा तो क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा? बच्चा निश्चित ही सीख लग रहे, मोदी के ही, मोदी के ही लग रहे हैं। अरजी भी तो लग रहे हैं लड़ने इसमें, कभी मूड मोदी के साथ हो गया? अरजी भी तो लड़ने लग रहे। देखिए मुसलमान ही मोदी के साथ चला जाएगा तो ये अखिलेश का क्या होगा? अखिलेश हमला हो जाएगा वहीं जा बेचारा। तो अखिलेश से मन बदल गया क्या? बदल रहा है तो, बदल गया क्यों, बदला क्या कमी रही अखिलेश में? नहीं कमी तो उसमें भी नहीं रही, वो क्या कर रहा है भाई, जिसकी सरकार है उसकी घेर लेना चाहिए। अच्छा अखिलेश क्या है तो अखिलेश के साथ हो जाए। बतेरे दिन रहे उसके घेर भी, वो दिन रहे उसके साथ भी, तो अब मन बदल गया, मन बदल गया, मोदी साथ हो लिए, मोदी साथ हो लिए। बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर चलाती है। सुनो तो बुलडोजर किसी पर हमारे पास चला नहीं, ना जायज ही तो चलाए बुलडोजर, जो कोई ना जायज कर रहा उस पर चलाए बुलडोजर तो। अच्छा भाई सही आदमी पे नहीं चलाते? सही पे नहीं चलता, गलत आदमी पे चलता है। गलत पे ही चला है बुलडोजर तो भाई। अच्छा हाँ सही पता कहीं पे नहीं चला। क्या नाम भाई साहब? शाहरुख। शाहरुख, अच्छा क्या लग रहा है युवाओं में अब की बार 2024 को लेकर क्या मामला है? बस ठीक है जो है। किसका है? मोदी का ही है मामला तो। क्यों है मोदी का? बस ठीक उड़ जाओ रखा कहीं ना कहीं उड़ जाओ रखा है। कैसे थोड़ा बताइए ना। अरे स्वाणी ने मेरा लोगों ने अच्छा कुछ ना कुछ ठावे रखा है, काम पर बढ़िया लगा रखे। तो अब क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बने? वही बनेगा और मनता मोदी बनेगा। हाँ क्या मुस्लिमों में भी कुछ लग रहा है क्या, मतलब भाजपा के प्रति कुछ ऐसा हो रहा है कि? अरे भाई मुस्लिम हो कोई हो ही मनना यही बनना है। हाँ। तो इनका क्या हो गया राहुल गांधी और जो ये लोग? इनका नहीं मैंने पहले तो नहीं पता, इनका नहीं पता। और भाई अरे आजा शर्मा, क्या नाम है? सुहेल है। कौन सी क्लास में पढ़ता है सुहेल? पाँचवीं में। पढ़ाई क्या कर रहा है? क्या नाम भाई साहब? यूनुस है जी। यूनुस जी क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो माहौल क्या है देश भर में? माहौल देश भर में जी मोदी सरकार आओगे अब की बार फिर। मोदी सरकार जी उनका काम अच्छे हैं जी। क्या अच्छा? देखो जी सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल नेट पूरा नेटवर्क बिछा दिया जिससे मतलब व्यापार में व्यापारियों को और बहुत सारी कंपनियां आ रही बाहर से भी इस वजह से। अच्छा जी तो इसमें यूनुस को क्या फायदा हो रहा है? सड़क वहां बन रही गांव में कोई फायदा हो रहा है आपको? हाँ जी फायदा क्यों नहीं हो रहा जी, क्या हो रहा है? मिल में ट्राली लेगा जहाँ सामली पहले लगे थे 1 घंटा 5 मिनट में चले जाए 15 में। अच्छा तो ये जो राहुल गांधी है और तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई है जो बीजेपी के खिलाफ, इनका क्या होगा अगर बीजेपी, आप कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी?
अजय नीतीश तो भाग गया बजा। अच्छा। एक दो और भाग लगा इतने। एक दो और भाग गया। आपको पता है पहले ही? हाँ जी पक्का पता जी। हाँ अच्छा जी। अच्छा देखिए मुसलमानों को बीजेपी की तरफ रुख क्यों हो रहा है, क्या कहाँ से क्या लग रहा है अब? मुसलमान जी वहाँ ऐसा हो रहा है, जैसे मनीष चौहान नेता जी है हमारे, ये बड़े अच्छे नेता हैं और ये मतलब कोई भेदभाव नहीं इनके यहाँ। अच्छा। तो हम तो ज्यादातर वैसे मनीष से जुड़े हैं, मनीष भाई से। अच्छा। और तो इनके साथ बुलडोजर वाली नीति जो इनकी है, बुलडोजर चढ़ा देते हैं अजी, जो कोई खराब काम करेगा जी वो तो कहीं कहीं वैसे ही चलता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? साबिर है जी। थोड़ा जोर से बोलिए। साबिर है। साबिर, साबिर जी को क्या लगता है कि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो चुनाव से पहले 10 साल जो बीते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, कैसा रहा माहौल, कैसे बीते 10 साल? अच्छा रहा जी। अच्छा कहाँ है मेरा? अच्छी सरकार चल रही है बहुत। कैसे चल रही भाई, तो पूछ रहा हूँ। एक तो चोर पकोर थे सब भाग गए। अच्छा चोर भाग गए? भाग गए। पहले क्या था, अखिलेश की सरकार में चोर होते थे? चोर ज्यादा थे। डकैती होती थी ज्यादा? और अब नहीं हो रही है? अब नहीं हो रही, तो दिन रात कहीं जो रात भी वही बात है, दिन में भी वही बात। अच्छा बराबर चल रहा है? बराबर। तो अखिलेश तो भैया सोच रहे थे कि मुसलमानों के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, अच्छी खासी सीट लेंगे, बीजेपी को हराएंगे, और मुसलमान ही भाजपा की तारीफ कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाए मामला? नहीं अच्छी बात है। अच्छी काम है मुसलमान जो बीजेपी में जाए, अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फायदा क्या करेंगे आपके लिए? फायदा सबके, देश के लिए फायदा होगा। क्या फायदा होगा देश के लिए? जो सबके लिए होगा वो मुसलमान के लिए फायदा होगा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या फायदा होगा? जो भी सबके लिए होगा वो इसके लिए होगा। बता तो दीजिए मुझे भाई जी, जो सरकार ने निधि दे रखी है वो मुसलमान ने भी, हिंदू ने भी, सब ने मिले। ऐसा नहीं है क्या, मुसलमान को काट दिया, हिंदू को दे दिया? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सब बढ़िया बराबर, सब बराबर खती। तो अब लग रहा है फिर प्रधानमंत्री बन जाए मोदी? बन रहा है प्रधानमंत्री, बन रहा अब भी आगे भी आना यही रहेगा। जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन का क्या होगा? अजय भाग जाएंगे तो सब गठबंधन पटबंधन टूट जाएगा, इतने सब टूट जाएंगे, टूट जाएगा। इतना भरोसा कैसे है साबिर भाई? एक तो बीजेपी उसमें बिहार में भी टूट लिया। अच्छा ये भी यहाँ भी टूट लगा।